So sir, I want to know what you think about those people who after achieving the success, they feel pride and arrogance. And sir, it might be possible, and there should be a point at the end in the key to success that explain you shouldn't feel pride and arrogance. What's your name, beta? Mehreen. Very good for Mehreen. Which campus, Mehreen? Al Kafur campus. Mehreen ka kehna ye hai. Mehreen ka kehna ye hai ki sir, aapka model hai 3 keys to success or to succeed with the help of Allah's blessing. Number 1 key kya hai? Fair intention. Number 2 hai hard work. Number 3 hai get prayers of others. उस तीन चीज़ों के नतीजे में अल्लाह ब्लेसिंग आती है. और जावेद इकबाल का मानना है कि अल्लाह ब्लेसिंग दुनिया आखिरत की कामयाबी का जरिया है. बेटा एक बात याद रखिएगा, जिस शख्स का ये ईमान होगा कि अल्लाह ब्लेसिंग ही कामयाबी और कामयाबी का जरिया है, और अल्लाह ना करे अल्लाह ब्लेसिंग हट गई तो नाकाम हो जाएंगे, क्या वो एरोगेंट होगा? क्या वो अपने आप को कुछ चीज़ समझेगा? क्योंकि वो तो एसोसिएट एक सेंटेंस से बिलीव करता है कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन अल्लाह ब्लेसिंग. और अल्लाह ब्लेसिंग के बारे में तो सिंपली एक बात बता दूं कि तकबर करने वाले में तो इतनी सख्त वईद है इस्लाम में. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हदीस का मफहूम है कि जिस शख्स ने तकबर किया, हदीस कुर्सी है, जिसे तकबर किया अल्लाह फरमाता है कि उसने मेरी चादर को छीनने की कोशिश की, और जिसने ये कोशिश की उसे रोज़े क़यामत ऊंधे मुँह जहन्नम में डालूंगा. तो बेटा एक मुसलमान जो अल्लाह ब्लेसिंग पे यकीन रखता है वो तो तकब्बुर से बचेगा, वो हम्बल रहेगा. और आप याद रखना कि जो एरोगेंट हो जाते हैं, जो अपने आप को कोई चीज़ समझने लग जाते हैं, उसे अगली कामयाबी नहीं मिलती. मॉडल के अंदर कमी नहीं है, पर्सन के अंदर कमी हो सकती है. नहीं, पर्सन के अंदर कमी हो सकती है. इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें बार बार अल्लाह ब्लेसिंग का तालिब रहना है, ठीक है, अच्छी सी क्लास बच्ची के लिए.